पेड़ पौधे जो हमारी खूबसूरत प्रकृति को और भी सुंदर बनाते हैं, जिनके बिना मानव जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन इनमें से कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिनके रहस्य को शायद आप भी नहीं जानते होंगे, और ये वो पौधे हैं जो दूसरों को भोजन देने के बजाय खुद अपने भोजन की तलाश करते रहते हैं। दोस्तों, हमारी विशाल पृथ्वी पर कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने भोजन के लिए शिकारी की तरह घात लगाए रहते हैं और शिकार के पास आते ही उस पर हमला बोल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत और स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और अद्भुत वीडियो में। तो तैयार हो जाए ऐसे ही पौधों की कुछ प्रजातियों को देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोस को आसानी से देख सके। वेनस फ्लाईट्रैप। दोस्तों, प्लांटी किंगडम का ये खूबसूरत सा दिखने वाला पौधा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो सिर्फ अमेरिका में ही पाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका आकार ही कुछ ऐसा है जिसको देखकर ऐसा लगता है मानो अभी ये किसी का शिकार करेगा। कुदरत ने इसको बनाया ही कुछ ऐसा है कि अगर कोई छोटे जीव इस पर बैठता है तो ये तुरंत इसका शिकार कर लेता है, जिनको 7 दिन के अंदर अंदर ये खाकर पूरा खत्म कर देता है। लेकिन दोस्तों, बहुत कम ही पौधे ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत कुछ इस प्रकार की होती है। दोस्तों, अगली पौधा है ड्रोसेरा। सामान्य तौर पर सैंडल्स के नाम से जाना जाने वाला ये पौधा अपनी खूबसूरती के पीछे एक चालाक शिकारी जैसा दिमाग रखता है। इस पौधे की पत्तियों और तनों पर म्यूकुलस नामक का एक तरल पदार्थ लगा रहता है, और अगर कोई जीव इस पर जाकर बैठता है तो फिर उसका बचपना नामुमकिन हो जाता है। वहीं इस पौधे की 194 से भी ज्यादा प्रजातियां सिर्फ अंटार्कटिका में ही पाई जाती है, और जिनके उम्र 50 साल से भी ज्यादा होती है। दोस्तों, फिर आता है नेपेंथिस। ड्रोसेरा के बाद ये पौधा दूसरे नंबर पे आता है, जिसकी ड्रोसेरा जितनी ही प्रजातियां पाई जाती हैं। दिखने में ये पौधा बिल्कुल सामान्य सा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। दोस्तों, इस पौधे की ऊपरी भाग इतना कोमल और आकर्षक होता है कि हर कोई जीव इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन ऊपरी भाग इतना फिसलन भरा होता है कि जीव इसके अंदर गिर जाते हैं, और अंदर कुदरती रूप से बना एक अनोखा घोल जीव को अंदर ही अंदर मार देता है। दोस्तों, अगला पौधा है सेरेसिनिया। प्लांटी किंगडम का ये पौधा अपने आप में सबसे अनोखा और खास है। दोस्तों, खूबसूरत सा दिखने वाला ये पौधा ट्रम्पेट पिचर्स के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे की ऊपरी पत्तियां कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जब वे इस पौधे पर बैठ जाते हैं तब इसके पत्तियों से निकलने वाले गैस को सूंघते ही बेहोश हो जाते हैं और नीचे इसी पौधे पे ही गिर जाते हैं, जिनको बाद में ये पौधा निगल लेता है। दोस्तों, इसको काटने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे इसने अपने अंदर ही अंदर एक कब्रिस्तान बना रखा है। यही वो पौधे हैं जो दूसरों को भोजन देने के बजाय खुद अपने भोजन की तलाश करते रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल इंडियन फैक्ट क्लब को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।